यानी बिहारी न्यूज की टीम आज पहुंची है सोनपुर मेला। जी हाँ, ये विश्व प्रसिद्ध पशु मेला है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है और प्रसिद्धि पा रहा है। और अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को शुरू होता है। देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना भीड़ होता होगा, मतलब समझ सकते हैं। और कहते हैं ना कि बिहार में काबा, तो बिहार में सोनपुर मेला बा और सोनपुर मेला पूरे विश्व में प्रसिद्ध बा। तो ऐसे में हम लोग यहाँ से अपनी जो सोनपुर मेला की यात्रा है उसकी शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि इस मेले में इस पर क्या खास है। जैसे कि अभी फिलहाल हम लोग हरिहर क्षेत्र में जो हरिहर नाथ मंदिर है वहाँ पहुँच चुके हैं, क्योंकि मेला यात्रा से पहले मैंने सोचा कि पहले मंदिर होकर आते हैं, मंदिर का आप लोगों को दर्शन करवाते हैं, उसके बाद हम लोग मेला यात्रा करेंगे। तो जैसे कि अभी हम हरिहर नाथ मंदिर पहुँच चुके हैं और मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मैं भी मंदिर वाली फीलिंग ले लूँ। टीका चंदन मैंने भी लगा लिया है और यहाँ के लोगों को भी देख सकते हैं आप लोग, इन लोगों ने भी लगा रखा है। फिलहाल हम लोग मंदिर पे फोकस करते हैं, मंदिर के अंदर। ये तो बाहर ही इतना भीड़ आप देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अब मंदिर के अंदर जाना चाहेंगे और वहाँ देखना चाहेंगे कि मंदिर का जो है वो एंट्रेंस है। हम अभी यहाँ पे जो मंदिर का प्रवेश द्वार है मेन मंदिर का, वहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे हम लोगों को मिले हैं भरत पंडागढ़ के, इनका नाम है, माफ़ कीजिएगा बाबा आपका नाम ले रही हूँ, और ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और इनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर इस मंदिर की क्या विशेषता है, आखिर ये मंदिर इतना क्यों प्रसिद्ध है और ये दुनिया भर में इतना क्यों प्रसिद्धि पा रहा है। तो हम लोग बाबा से जानेंगे। तो आपका बिहारी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है बाबा, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह मंदिर कितने सालों से है और कितने सालों से आप यहाँ सेवा दे रहे हैं। हम जो यहाँ करीब 65 साल से हैं। अब मंदिर तो 14,000 वर्ष पहले का है। 28वां मनु मंत्र में ये सह नाम का पर्वत था जिसका शिखर बहुत ही रमणीय है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ घूमने आए तो बहुत पवित्र भूमि मालूम दिया। उन्होंने विचार किया तीनों आदमी कि ऐसे पवित्र भूमि पर कुछ यज्ञ जाप होना चाहिए। यज्ञ में ब्रह्मा जी यजमान थे, विष्णु भगवान पंडित जी थे, शंकर जी कार्यकर्ता थे। ब्रह्मा जी की दो स्त्री, बड़ी को आने में विलम्ब थी, छोटी मौजूद थी। शंकर और विष्णु ने कहा कि बड़ी भी स्त्री है, छोटी भी स्त्री है, यज्ञ का मुहूर्त खत्म होने से करने से कोई फायदा नहीं होगा। ज्यों ही संकल्प हो रहा था उसे ही बड़ी पहुंच गई। अब पहुँच कर देखा तो बहुत क्रोधित हो गई। उसने सवाल किया कि ऐसा किसने किया, बड़ी के जगह पर छोटी और छोटी जगह पर बड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है, शंकर और विष्णु के मति से हुआ। तो उसने श्राप दिया कि ऐसा जो किया पत्थर हो जाए। तो वे शंकर और विष्णु पत्थर हुए। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से दोनों को एक ही शिवलिंग में स्थापना किया। और उसको भी श्राप मिला कि जाओ तुम नारायणी नदी बन के बहोगी, तुम्हारा जल इन पर चढ़ेगा, इनकी आत्मा के शांति होगा। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन के बात है जो मेला लगता है। मतलब ये जो मेला लगता है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है। और ये कुल कितने दिनों तक लगता है? ये पूरे एक महीना का मेला होता है, पूरे एक महीना का। और ये जो यहाँ पे जो शिवलिंग है वहाँ इस मंदिर की यही विशेषता है कि यहाँ पे शंकर और विष्णु दोनों हैं। ऐसा एक ही लिंग में मौजूद, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा विश्व भर में, देश भर में कहीं भी कहीं नहीं है। तो इसी वजह से ये विश्व भर में प्रसिद्धि पा रहा है, प्रसिद्ध है। हाँ, यहाँ का जो मन में जो रखता है उसका अवश्य पूरा होता है, इसलिए कि कल्याणकर्ता और संहारकर्ता दोनों हैं। जो भी मन में रखता है वो पूरा होता है, इसलिए इतना आदमी आता है, यहाँ इतना भीड़ भाड़ होता है। अच्छा, तो ये मेले को लेकर इतना भीड़ है या फिर हमेशा रहता है? नहीं, हमेशा नहीं रहता है। फिर अब सावन में ऐसा भीड़ होगा, या शादी ब्याह होता है लगन पाती में, ऐसे 1,000-2,000 आदमी बराबर आते जाते रहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो खड़े हैं बॉडीगार्ड के तौर पर। तो ये
आप प्रशासन की तरफ से हैं या फिर मंदिर की तरफ? ना, दोनों तरफ से है, प्रशासन की तरफ से ही है, मंदिर की ड्यूटी है। मतलब कि आपको प्रशासन यहाँ तैनात की है या फिर मंदिर सुरक्षा में है? मंदिर सुरक्षा प्रशासन ने यहाँ पे आपको ये परमानेंट? अच्छा, आप लोग परमानेंट प्रशासन की तरफ? हाँ, बदलते रहते हैं अपने समय समय से, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो आपको सरकार की तरफ से तनख्वाह भी मिलती है? सब सरकार का, प्राइवेट थोड़े हैं, सरकारी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मंदिर की सुरक्षा के लिए खास तौर पे इतनी भारी संख्या में देश भर से भीड़ उमड़ती है, तो ऐसे में यहाँ पे प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किया जाता है व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के लिए। तो अब देखिए, यहाँ पे आपको प्रसाद भी मिल जाएगा मंदिर में चढ़ाने के लिए, और खास तौर पे जो अपने पटना महावीर मंदिर का नैवेद्यम है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब कि नैवेद्यम जो है वो पूरे देश भर में प्रसिद्धि पा रहा है, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका निर्यात होता है, और ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे पेड़ा भी है और नैवेद्यम लड्डू भी है, और अब हम चलेंगे थोड़ा सा अंदर भगवान के दर्शन के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना भीड़ है, और ये भीड़ जो है वो अभी मेला को लेकर ज़्यादा है, और ऐसे भी यहाँ पे लोग श्रद्धालु आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में हम यहाँ के यहाँ आए श्रद्धालुओं से भी पूछेंगे कि आखिर इन्होंने क्या वजह है कि ये मंदिर जो है इनको आकर्षित कर रहा है, और जानेंगे। पहले हम लोग ये देखेंगे कि वो जो लिंग के बारे में बताया था हमें पंडा जी ने, तो वो लिंग की आखिर कैसा दिखता है और क्या इसका जो स्ट्रक्चर है, बनावट है इस लिंग का, वो कैसा है। तो अंदर आ सकते हैं आप लोग हमारे साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ सफाई भी शुरू है, क्योंकि इतना भीड़ है तो चढ़ावा की वजह से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे साफ सफाई लगातार जारी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पंडित जी भी यहीं बैठे हैं, श्रद्धालु भी लगातार आ रहे हैं, और वो लिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे विराजमान है। और इस लिंग की यही खास विशेषता है कि देश भर में ऐसा कहीं भी कोई मंदिर नहीं है जहाँ भगवान विष्णु और शंकर जी एक ही लिंग में विराजमान हो। तो मतलब समझ सकते हैं कि इस मंदिर की, इस शिवलिंग की कितनी महिमा है। पंडित जी, बिहारी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और ये आप बताइएगा कि ये जो शेष नाग लगे हुए हैं तो ये क्या चांदी के? चांदी के तो हैं, लेकिन भगवान स्वयं नारायण आए हैं, यहाँ हाथी पुकारा है भगवान को, ग्राह जो है पकड़ा है तो हाथी पुकारा है भगवान को, तो भगवान आकर के ग्राह को मारे हैं और गज का फंद छुड़ाए हैं, गजेंद्र मोक्ष हुआ है। और आगे जो शिवलिंग है वो बाबा हरिहरनाथ हैं, हरि और हर दोनों एक ही शिला में यहाँ विराजमान है। हरि और हर, हरि मतलब विष्णु, हर मने महादेव, दोनों एक ही शिला में स्वयं ब्रह्मा ने स्थापना किया है, जो पद्म पुराण में वर्णन है, गंडकी गंगेवर मध्य क्षेत्रम हरिराविधम तत्र स्नात्वा जलम पीत्वा नरो नारायणम भवेत। यहाँ जो भी भक्त इस नदी में स्नान करके, जलाभिषेक करके, चरणामृत पान कर लेते हैं, नर जो है नारायण के तुल्य हो जाता है, ऐसा महत्व है। बाबा हरिहरनाथ का स्थापना स्वयं ब्रह्मा ने किया है, इसलिए बाबा हरिहरनाथ के दरबार में जो भी भक्त आते हैं महादेव उनका सब कल्याण करते हैं, हर हर महादेव। तो आप देख लिए कि क्या महिमा है इस मंदिर की, और जैसा कि मैं बार बार यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, दोहरा रही हूँ कि ऐसा कोई मंदिर आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बिहार में है। और जो लोग कहते हैं कि बिहार में क्या है, तो भाई आप एक बार आके देखें कि बिहार को खुद प्रकृति ने कितने अच्छे अच्छे चीज़ों से नवाजा है। और आप कैम जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं, ये जूम करके आपको दिखाया जा रहा है कि लिंग यहाँ पे जो स्थापित है यही वो लिंग है जो जहाँ आपको विष्णु भगवान भी और शंकर भगवान भी दोनों इसी लिंग में विराजमान है। और आप देख सकते हैं कि अभी काफ़ी भीड़ है श्रद्धालुओं की, और हम श्रद्धालुओं से पूछना चाहेंगे कि आखिर वो यहाँ पे आए हैं तो ऐसी क्या चीज़ है जो इन्हें आकर्षित करती है। आप यहाँ मंदिर में पहली बार आए हैं?
नहीं, हम दूसरे बार आए हैं। अच्छा, तो क्या चीज़ है जो आपको आकर्षित करती है इस मंदिर की? बहुत मतलब फेमस है, बहुत फेमस है मंदिर जो है, बहुत फेमस है विश्व। कुछ आप दूसरी बार आई हैं तो पहली बार कोई मनोकामना पूरी हुई थी? हम तो ऐसा कुछ मांगे थे नहीं। बोलना अच्छा, बहुत संतोषी है हमारी श्रद्धालु ये। और एक आंटी है और ये बताइए, तो आप आंटी यहाँ पे आई हैं तो ऐसी क्या चीज़ है इस मंदिर की जो आपको आकर्षित की है, तो उस वजह से आप आई हैं यहाँ बाबा के दर्शन? देखिए, कौन सी ऐसी मनोकामना है जो इनसे हमारी पूरी नहीं हुई हो? आपको हम कितना नहीं क्या बताएं, सही से समझिए। बाबा जब यहाँ स्वयं स्वयंभू हैं और जो इन पर इनको समर्पित हो जाए तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, नहीं तो बादशाहों का बादशाह है। बिल्कुल, और बिना ताज का। परे दानी तो खुद भोले शंकर हैं, और यहाँ पे भोले शंकर और श्री हरि सुनते हैं कि हमारे श्रद्धालुओं के बीच कितना उत्साह है इस मंदिर को लेकर, कितनी भव्यता है इस मंदिर की और कितनी प्रसिद्धि है और कितना लोग विश्वास करते हैं इस मंदिर को लेकर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि गुड्डू बाबा हैं यहाँ पे मौजूद, और इन्होंने मेरे हाथ में मौली भी बांधा है, और इन्होंने बताया है कि ये घंटा है हरिहरनाथ मंदिर के अंदर आपको मिलेगा, अंदर परिसर में, तो ये घंटा बजाने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो गुड्डू बाबा ने हमें सलाह दिया कि ये घंटा ज़रूर बजाएं। तो और देख भी सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो यहाँ आ रहे हैं श्रद्धालु वो बजा रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की कोशिश में है। तो और इसके बाद हम लोग यहाँ मंदिर परिसर में ही आपको यहाँ मिल जाएगा, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे लिंग के अलावे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे भगवान जी की मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित हैं। ये माता अंशा, वेद माता अंशा ऐसे यहाँ पे जो राइटिंग है वो थोड़ा मिट गया है। तो और यहाँ पे विष्णु जी का जो है वो मूर्ति है, यहाँ पे महाकाल शिव हैं, और इनके बगल में ही गणेश भगवान हैं, और उधर जो हैं वो हनुमान जी हैं, और ये जो है बीच में, ये ऊपर दिखा दीजिए, ये आप देख सकते हैं मंदिर का जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से बना हुआ, एकदम कलरफुल है। और यहाँ पीछे में यहाँ जो जो शिवलिंग वाला जो मंदिर था वो ये है, और इसके पीछे में विष्णु भगवान है। और मंदिर परिसर में घूमते घूमते हम पहुँच गए हैं यहाँ, और यहाँ पे हमें दिखा कुछ दवाइयाँ दिखी हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं तो उनके लिए भी ये सुविधा दी गई। और ये मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी अच्छा लगा कि इतना ख्याल रखा जा रहा है श्रद्धालुओं का। तो यहाँ पे मौजूद हम पूछेंगे कि आखिर कैसे सेवा देते हैं ये श्रद्धालुओं को, तो सर क्या है यहाँ की व्यवस्था? फ्री में दिया जाता है, जो भी प्राथमिक उपचार है दिया जा रहा है। अच्छा, तो आप ये स्पेशली मेला को लेकर है या फिर हमेशा रहते हैं? नहीं, मेला भर के लिए दिया गया है, क्योंकि भीड़ काफ़ी होती है। वो अस्थायी औषधालय की तरफ से मान लीजिए प्राथमिक उपचार के लिए दिया गया है। किसके तरफ से आए हैं? बिहार सरकार के तरफ से। तो ये सुविधा जो है वो बिहार सरकार दे रही है कि आप मेला में काफ़ी भीड़ होता है, और भीड़ में लोग ये संभावना ज़्यादा होती है कि लोग इंजर्ड हो जाते हैं, तो ऐसे में लोगों के लिए खास सुविधा है। और यहाँ पे आपको यहीं पे हमें दिखे हैं मंदिर के परिसर में फोटोग्राफर्स आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा हरिहरनाथ मंदिर में परमानेंट हम लोग यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं, थोड़ा जोर से क्योंकि यहाँ पे आप हमेशा यहीं? जी यहीं पे हम लोग परमानेंट रहते हैं, सभी दिन के लिए हैं हमेशा। मतलब कि आपको यह जो फोटोग्राफी की सुविधा मिल रही है वो आपको DSLR कैमरा से वो हमेशा, मतलब कि 365 दिन ये यहीं रहते हैं, और आपको जो है आप नहीं भी आपके पास फ़ोन है तो आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और साथ में हमें पता चला है कि यहाँ जो मंदिर के पीछे जो है वो शादी वाला जो धर्मशाला है, यहाँ पे शादियाँ होती रहती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी भीड़ है, और कुछ आयोजन यहाँ पे देख सकते हैं कि पूजा हो रही है, और यहाँ पीछे में जो है वो यहाँ पे शादी विवाह के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे शादियाँ होती हैं। तो
हमने आपको बताया कि हरिहरनाथ मंदिर की क्या विशेषता है, क्यों ये मंदिर इतना प्रसिद्धि पा रहा है दुनिया भर में, और हम चाहेंगे कि आप एक बार बिहार विजिट करें। अगर आप अगर बिहार से नहीं भी हैं तो आप एक बार बिहार विजिट करें तो हरिहरनाथ मंदिर ज़रूर आएँ और यहाँ पर आकर भगवान का आशीर्वाद ज़रूर लें। तो यह जो सोनपुर का मेला है वो भी 7 दिसंबर तक रहेगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट हुए हैं, बट देर आए दुरुस्त आए, और अभी मौका है, आप लोग मेला में भी आकर के घूम सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।